गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको गद्य भारती के पंचम पाठ विश्व कवि रविंद्रा के गद्यांश का पिछले गद्यांश से आगे का गद्यांश पढ़ाएंगे। द्वैधिक त्रिंशद त्रिंशद एकोन विंशे शततमे ख्रीटाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धा आसीत। द्वैधिक त्रिंशद अधिकै एकोन विंशत शततमे 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे कारागार में अवरुद्ध आसीत, बंद थे। ब्रिटिश शासकों अनुसूचित जातियानां स्वर्ण हिंदू जातियेभ्यः पृथक निर्वाचनाय प्रयत्नशीला आसन। ब्रिटिश शासकों ने अनुसूचित जाति के लोगों का सवर्ण हिंदू जाति से पृथक मने अलग निर्वाचन के लिए प्रयत्नशील थे। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जाति के लोगों का सवर्ण हिंदू जाति से पृथक निर्वाचनाएं अलग निर्वाचन के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्टम उद्देश्यम हिंदू जातियानाम परस्परम विभाजनम आसीत। जिनका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जाति का परस्पर विभाजन करना था। बहु विरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासका शांतिम न लेभिरे विभाजयितुं च प्रयतमाना एवासन। बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासका शांति न ले विरे विभाजयितुं च प्रयतमाना एवासन। बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासकों ने शांति नहीं लेने दी। विभाजन के लिए वे प्रयत्न करते ही रहे थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जातिष्व ऐक्यम स्थापयितुं कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तब महात्मा गांधी ने हिंदू जाति की एकता स्थापित करने के लिए कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ किया। गुरुदेवस्य रविन्द्रनाथस्य च अनुमोदनम ऐच्छत। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने अनुमोदन की इच्छा प्रकट की। रविन्द्रनाथ से अनुमोदन की इच्छा प्रकट की। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रविन्द्रस्य केवलम् आदरम् एव नाकरोत् अपितु यथाकालं समीचीन सम्मत्तै मुखम् अपि इच्छते स्म। क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविन्द्र का केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि यथाकाल समीचीन सम्मति से मुखम अपि इच्छते स्म।
उनसे परामर्श लेने के लिए उनका मुख देखते थे। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रवींद्रस्य केवलम आदरमेव न करोत्, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविंद्र का केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि यथाकालम समीचीन सम्मति, यथाकाल समीचीन सम्मति के लिए मुखम अपि इच्छते, इसमें मुख भी उनका देखा करते थे। महात्मा एनम कविंद्रम रविंद्रम गुरुम मन्यत, महात्मा इनको ही, इन कविंद्र रविंद्र को गुरु मानते थे। रविंद्रनाथा तन्निपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिक खंडतायै च अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम, परम जना दारुणे विपत्ते गांधिना जीवनम अभिरेक्षयु। रविंद्रनाथा तन्निपत्रे अर्थात तार में, टेलीग्राफों में भारतस्य एकताई, भारत की एकता के लिए, सामाजिक अखंडता के लिए और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान को सर्वथा समीचीन, परम जना दारुण्या परम समीचीन परम जनास दारुण्या विपत्ते गांधिना जीवनम अभिरक्षेयु। रविंद्रनाथ ने तंत्री पत्र तार के पत्र में भारतस्य एकताई, भारत की एकता के लिए और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम, अमूल्य जीवन का बलिदान देना ही सर्वथा समीचीन है। परम जना दारुण्या विपत्ते, किंतु लोगों की दारुण विपत्ति की गांधिना जीवनम अभिरक्षे, गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इति लिखित्वा, ऐसा लिख करके प्रत्युदत्तरत, ऐसा लिख करके उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। रविंद्र आमरण अनशनस्य समर्थनम एव न कृतवान् अपितु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारं च गतवान्। रविंद्र आमरणस्य अनशनस्य, रविंद्र आमरण के अनशन का समर्थनम एव न कृतवान् अपि, समर्थन न करते हुए भी तू प्रयोजन प्राय उपवेशन में प्रारब्धे मने प्रारंभ हो जाने पर पुणे में कारागारम च गतवान और पुणे के कारागार में गए। कहने का तात्पर्य है बच्चों, रविंद्र ने न केवल आमरण अनशन का समर्थन ही किया, बल्कि उपवास के आरंभ होने पर वो पूना जेल आ गए। एवं बहुवर्णिकम गरिमा मंडितम साहित्यिकम सामाजिकम दार्शनिकम लोकतांत्रिकम जीवनम तस्य काव्यम इव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूत। एवं मने इस प्रकार बहुवर्णिकम, बहुत से वर्णों का, गरिमा मंडित, गरिमा से युक्त, साहित्यिकम साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य की ही भांति मनोहर सर्वेभ्य कल्याणकारी प्रेरणादापी चाभूत, प्रेरणादायी थी। एवं इस प्रकार बहुवर्णिकम
अनेक रूपमयी, गरिमा से युक्त, गरिमा मंडितम, साहित्यिकम, साहित्य गरिमा से युक्त उनका जीवन, तत्स जीवन, उनका जीवन जो था वो साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक एवं लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य की ही भांति मनोहर है, सबके लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायक भी है। एक चत्वारिशद अधिकै एकोनविंशतितमे क्रीटाब्दे अगस्त मासस्य सप्तमे दिनांके रवींद्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। एक चत्वारी इकतालीस ईस्वी में सात अगस्त को रविंद्र का भौतिक शरीर पार्थिवम शरीरम वैश्वानरम प्राविशत, भौतिक शरीर अग्नि में प्रवेश कर गया। वैश्वानरम माने अग्नि में प्राविशत, प्रवेश कर गया। अद्यापि आज भी गुरुदेव रविंद्र से वाक्य काव्य रूपेण अस्माकं समक्षम श्रोतस्विनी इव सततम प्रहत्येव। अद्यापि आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य रूप से अस्माकं समक्षम, हमारे समक्ष श्रोत वाहिनी के समान सततम प्रवत्येव, प्रवाहित सी है। अधुनापि आज भी वाचम मुखी कर्तुम नाशकत। इस समय आज तक भी कराल काल का हाथ उनकी वाणी को मुखी कर्तुम ना शकत, उनकी वाणी को मुखी कर्तुम अर्थात मूक नहीं करा सका, चुप नहीं करा सका। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति एषाम यश काये जरा मरणजम भयम्। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, रस सिद्ध कवियों, पवित्र रस सिद्ध कवियों की जय हो, उन पवित्र रस सिद्ध कवियों की जय हो। नास्ति एषाम यश काये जरा मरणजम भयम्, जिनके यश रूपी शरीर को जरा मरण से उत्पन्न जो भय है वो नहीं है। जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं रहता है, ऐसे सुकृति रस सिद्ध कवियों की जय हो। बच्चों आज ये पाठ समाप्त हो गया, धन्यवाद।